दिन कन्हैया ने सारे ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और ग्वाल वालों से कहा, मधुमंगल का हाथ पकड़ा, मधुमंगल क्या तुझे खाने को नहीं मिलता, बड़ा कमजोर हो गया, क्या बात है? मधुमंगल ने कहा, कन्हैया जितना मक्खन होता वो सब मथुरा को चला जाता है, सब बिक जाता है, और हम क्या खाएं क्या करें। कन्हैया ने कहा, आज से तू चिंता मत कर। सारे सखाओं को इकट्ठा किया, बोले आज से हम चोर प्रचार मंडल का गठन कर रहे हैं, अब कोई भूखा नहीं रहा, सब तंदुरुस्ती बनाओ, खूब मक्खन खाओ और हेल्थ बनाओ। सारे ग्वाल वालों को अब तो कन्हैया लेकर के जाने लगा, किसी के ग्वालिनी के बछड़े को छोड़ देता और जब तक बिचारी बछड़ा पकड़ती तब तक मक्खन लेकर के मटकी लेकर के भाग जाता और सारे ग्वाल वाल खूब खाते। ऐसे ही अब तो होने लगा और जब गोपियां शिकायत लेके जाती तो कन्हैया कुछ न कुछ बहाने बना के उन्हें भगवा देता। एक दिन एक गोपी शिकायत लेकर के गई, मैया अब तो कन्हैया ने रास्ता निकलना मुश्किल कर दिया है, ये तो अब तो अपना अकेले नहीं, अब तो तमाम सखाओं को इकट्ठा करके जाता है और कहीं बछड़े छोड़ देता, हम बछड़े को पकड़ने जाती हैं, तब तक ये माखन की मटकी उतार करके स्वयं खाता है, सारे ग्वाल वालों को खिला करके पूरा माखन ही चट कर जाता है, कुछ नहीं रखता। मैया ने कहा, कन्हैया आज तुझे ठीक ही कर दूं, तू ऐसा क्यों करता है कन्हैया, तेरे पास क्या कमी है, ये क्यों शिकायत आती है, तेरी गोपियां क्यों शिकायत लेकर के आती हैं। कन्हैया ने कहा, मैया तू एक ही पक्ष की बात सुनकर के, उन्हीं की पक्ष की बात सुनकर के तू हमें डांटने लगती है, तूने कभी हमारी बात सुनी, तूने कभी हमारा कष्ट सुना। कष्ट कन्हैया? बोले हाँ मैया, हमने तो तुझे कभी बताया नहीं, ये गोपियां इतनी चालाक है मैया, इतनी कठोर है, जब हम इनकी गली से निकलते हैं ना तो ये हमें पकड़ लेती हैं, अपने घर पे ले जाती हैं, हमसे बर्तन धुलवाती हैं, हमसे झाड़ू लगवाती हैं, हमसे कपड़े साफ कराती हैं, और मैया जब हम मना करते हैं तो ये हमसे कहती हैं, अगर तुमने बर्तन साफ नहीं किए ना तो हम तुम्हारी झूठी शिकायत मैया से करेंगे। पूरे दिन मैया काम कराती और जब मना करते तो झूठी शिकायत लेकर के आपके पास आ जाती। अब तो गोपी परेशान, बोली ये तो बड़ा चालाक है भाई। गोपी बिचारी, मैया ने कहा, गोपी तुम रोज शिकायत लेकर के आ जाती हो, हम ऐसे कैसे माने, अरे हमारे पास कौन सी मक्खन की कमी है जो हमारा कन्हैया चोरी करेगा, हाँ पकड़ के लाओ किसी दिन तब हम मानेंगे। गोपी ने कहा, मैया आज हम आपसे कहे जा रही हैं कि अब हम जब तक आपको पकड़ के नहीं दिखाएंगे कन्हैया को तब तक शिकायत लेकर नहीं आएंगी, अब इसे ही पकड़ के लाएंगे। और जैसे गोपी चली वैसे कन्हैया ने अपना अंगूठा गोपी को दिखा दिया और जैसे अंगूठा दिखाया तो गोपी और नाराज हुई, बोले तुझे तुझे तो हमें ठीक ही करना है, तुझे तो पकड़ के ही दिखाना है। कन्हैया ने कहा, जा गोपी। गोपी चली गई, कन्हैया फिर वही करने लगा। एक दिन उसी गोपी के यहां कन्हैया पहुंच गया सारे ग्वाल वालों को लेकर, लेकिन उसने मक्खन बहुत ऊंचे सीके पर टांगा था, तो कन्हैया ने कहा, कैसे मिलेगा मक्खन ये, इसने तो बहुत ऊंचे पर टांग दिया छुपा करके। तो ग्वाल वालों ने कहा, चिंता मत करो कन्हैया, हम घोड़ा बने जा रहे हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और तुम सबके ऊपर चढ़ करके मक्खन को उतार लो और सबको खिलाओ। सब घोड़ा बन गए, कन्हैया सबसे ऊपर, माखन को मटकी से निकाला माखन और खाए जा रहा। नीचे वाला बोला, कन्हैया मारने के लिए नीचे हमें लगा दिया, माल तुम खा रहे हो, ये कौन सी मित्रता है, हमें कुछ नहीं मिलेगा। कन्हैया ने कहा, धैर्य रखो भाई, धीरज रखो, तुमको भी मिलेगा। अब तो कन्हैया निकाले खाए और जो कन्हैया से गिरे वो उससे नीचे वाले को, उससे जो बचे उससे नीचे वाले को, यही क्रम चल रहा था तब तक गोपी आ गई। उसने देखा ये क्या हो रहा है, आज पकड़ लिया, और जैसे ही नीचे वाले जो सबसे नीचे वाला था उसने जैसे गोपी के पैरों को देखा नीचे से निकल के भाग खड़ा हुआ, और जैसे ही नीचे से निकला सारे ग्वाल वाल धड़ाम से सब निकल के भाग गए, कन्हैया मटकी पकड़े लटका। अब वो बेचारा कहां जाए, तुम विध मटकी के, मटकी सहित कन्हैया नीचे धड़ाम से गिरा। गोपी ने हाथ पकड़ लिया, कहा आज पकड़ में आए, कहो तुम अंगूठा दिखाते थे हमें, अब कहां जाओगे, अब तो पकड़ गए, आज हम ले चल के मैया के सामने तुम्हें खड़ा करेंगे
और मैया के पास हम हजारों बार उलहना लेकर के गई, लेकिन कभी मैया ने नहीं माना। आज हम कहेंगी, मैया देखो ये चोरी करता है कि नहीं करता है। कन्हैया को गोपी ने गुस्से में पकड़ा, घूंघट काढ़ा, एक हाथ से घूंघट और एक हाथ से कन्हैया को पकड़े गोपी जा रही है। और जब रास्ते में पहुंची, कन्हैया ने कहा, गोपी तुझे पकड़ना ही तो है। अरे इतने कस के पकड़े, हमारा हाथ दर्द कर रहा है गोपी, इस हाथ को छोड़ के इस हाथ को पकड़ लो, क्या दिक्कत है। गोपी ने कहा, कोई बात नहीं, इस हाथ को पकड़ लेंगे। तो कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ाया और रास्ते में खड़ा था उसका लड़का, अपना हाथ छुड़ा के उसके लड़के का हाथ गोपी के पकड़ा दिया। लेकिन गोपी ने गुस्से में कुछ नहीं जाना, खींचते वो रोए, लेकिन गोपी खींचते हुए लिए जाए और मैया के सामने जा करके उसी लड़के को खींच करके खड़ा किया। मैया देखो, अब ये कन्हैया नहीं और कौन है, आज हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मैया ने कहा, ये पागल हो गई क्या, गोपी घूंघट तो खोल, किसे पकड़ लाई है। और जैसे गोपी ने घूंघट खोला, देखे उसका लड़का रोता हुआ खड़ा, उसका लड़का रोता हुआ खड़ा। गोपी ने कहा, कन्हैया मैंने समझ लिया कि तुझसे कोई चालाकी नहीं चल सकती है, लेकिन मैं भी गोपी हूं, तुझे जब तक पकड़ नहीं लूंगी तब तक नहीं मानूंगी। मैया एक दिन उसे जरूर पकड़ के लाऊंगी। इसी क्रम में लगी रही गोपी, लेकिन एक दिन जो है कन्हैया कम मानने वाला, तो गोपी ने अब की बड़ी चालाकी की, मक्खन जहां पर टांगा वहां पर एक उसी में घंटी बांध दी कि जैसे ही मक्खन की मटकी को हिलाएगा डुलेगा वैसे ही घंटी बजेगी, और जैसी घंटी बजेगी तभी वैसे ही हम आ जाएंगे उसे पकड़ लेंगे। कन्हैया फिर उसी गोपी के घर पे पहुंच गया। एक दिन देखा अब की तो गोपी ने घंटी बांध के रख दी, तो कन्हैया ने घंटी से प्रार्थना की, घंटी बजना मत, इतनी हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लेना, तुम बजना मत। घंटी ने कहा, नहीं बजेंगे। कन्हैया ने फिर वही चक्कर बनाया, वही चक्कर बनाया, ग्वाल वालों के ऊपर ग्वाल वाल, ग्वाल वालों के ऊपर ग्वाल वाल, सबसे ऊपर कन्हैया चढ़ा। और कन्हैया ने चढ़ करके उस मटकी को खोला, घंटी नहीं बजी, सब कुछ हो गया, घंटी नहीं बजी। और जैसे ही कन्हैया ने हाथ डाल करके मक्खन को खाया वैसे ही घंटी बजने लगी। कन्हैया ने कहा, ये क्या किया घंटी, तूने तूने वचन तोड़ा है, और मुझसे तूने कहा था हम नहीं बजेंगी, लेकिन तू क्यों बजी। घंटी ने कहा, कन्हैया मेरे ठाकुर का भोग लगे, मेरा ठाकुर भोग लगाए और घंटी न बजे, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, घंटी बजेगी। और जैसी घंटी बजी, ग्वालिन भाग के आ गई, वो तो बैठी थी, घंटी बजी, घंटी बजी, उसने समझ लिया कि खतरा है, आ गया कन्हैया, भाग के आई, तो ग्वाल बाल तो नीचे निकल के भाग गए, लेकिन कन्हैया कहां जाए, पकड़ लिया कन्हैया। बोले, कन्हैया अब दोबारा गलती नहीं, जो दोबारा गलती करता है वो मूर्ख होता है, अब हम तुम्हें मैया के पास नहीं ले जाएंगे, अब मैया को ही हम यहां बुलाएंगे, तुम रास्ते में गड़बड़ कर देते हो, अब हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे, तुम्हें यहीं बांधेंगे और मैया को बुलाएंगी, देखो चोरी करता कि नहीं करता है। कन्हैया ने कहा, गोपी अब तो हम तुम्हारे हाथ में हैं, चाहे कुछ भी करो भाई। गोपी ने कन्हैया को बांधना प्रारंभ किया, कन्हैया ने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया, गोपी ने बांधा, और जैसी बांध के निवृत्त हुई गोपी, कन्हैया ने अपने शरीर को फिर वैसे ही कर लिया, फंदे सारे ढीले हो गए, कन्हैया निकल आया और कहा, गोपी जब तुम्हें बांधना नहीं आता, अरे तो क्यों बांधती हो भाई, जो काम करने नहीं आता गोपी उसको क्या करना चाहिए बताओ, सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। बोले, हाँ, तो फिर बगैर सीखे क्यों काम करने लगती हो, पहले सीख लिया करो गोपी, बांधना पहले सीख लो फिर बांधो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो गोपी ने कहा, सीखें किससे इस समय। अरे बोले, हम सिखा देते, अभी सिखा देंगे फिर हमें तुम बांध देना। बोले, सिखाओ। कन्हैया ने कहा, गोपी खंबे के पास खड़ी हो। गोपी खंबे के पास खड़ी हो गई। कन्हैया ने रस्सी डोर ली और नीचे से पैरों से की तरफ से बांधना गोपी को प्रारंभ कर दिया, ऊपर तक यहां तक कस के बांध दिया, गांठ लगा दी,
बोले देखो ऐसे बांधा जाता है गोपी, सीख लिया? बोले हाँ। बोले खोलो अब हम तुम्हें बांधेंगी। बोले खोलते हैं मूर्ख। गोपी बंधी खंबे में, कन्हैया निकल के चला गया आराम से। अब गोपी क्या करती बेचारी खंबे में बंधी। उधर उसका पति खेत में काम कर रहा था। एक घंटा हो गया, दो घंटे हो गए, तीन घंटे हो गए, गोपी जलपान लेकर के नहीं पहुंची खेत में। अब तो बड़े गुस्से के मारे, आज तो ये खेत में जलपान लेके नहीं आया, आज इसे ठीक करूंगा जाके। घर पे आया, देखे किवाड़ खुले घर के, अंदर घुसा, देखे खंबे से लिपटी हुई गोपी बंधी। उसने कहा ये क्या हुआ भाई, ये किसने बांधा? गोपी ने कहा और कौन बांध सकता है, ये और कौन कर सकता है। सारी बात गोपी ने बताई और कहने लगी अब कुछ बता नहीं सकते। गजब करे डारो रे बाबा के बंसी बारे ने, गजब करे डारो रे बाबा के बंसी बारे ने, गजब करे डारो रे बाबा के बंसी वाले ने, बाबा के बंसी वाले ने बा काली कमली वाले ने, बाबा के बंसी वाले ने बा काली कमली वाले ने, गजब करे डारो रे बाबा वाले ने, गजब करे डारो रे बाबा के बंसी वाले ने, गजब करे डारो रे बाबा के बंसी वाले। सन की भई मोरी सारी, सन सन की भई मोरी सारी, सन सन की भई मोरी सारी, सन सन की भई मोरी सारी, जाने राधे जाने हरि बोल जाने। ऐसो कंकर मारो रे जा काली कमली वाले, गजब करे डारो रे बाबा के बंसी वाले ने, पाले ने जा पाके बंसी वाले ने जा, काली कमली वाले ने वो पाके बंसी वाले ने, काली कमली वाले ने पाके बंसी वाले ने, गजब करे डारो रे बाबा के बंसी वाले ने, हो करे डारो रे वो पाके बंसी वाले ने, गजबो करे डारो रे मोह पाके बंसी वाले ने।
छींके चढ़ आयो, आज कोत छींके चढ़ आयो, आज कोत छींके चढ़ आयो, कछु खायो कछु सखन खवायो, 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 जाने राधे जाने हरि बोल सगरो दही बिगारो रे जा भाते बंसी वाले हो करे धारो जा भाके बंसी वाले ने जा भाके बंसी वाले जा भाके बंसी वाले ने जा काली कमली वाले ने जा भाके बंसी वाले ने वो काली कमली वाले ने राधे। इस तरह नित्य कन्हैया नव लीलाएं करता, सारा ब्रजमंडल कन्हैया पर बार बार बलिहार होता। एकदा ग्रहदा शिशु यशोदा नंद गेहनी कर्मांतर नियुक्ताशु निर्ममंत स्वयं दधि। एक बार मैया दूसरे कामों में अन्य को लगा दिया, स्वयं दही बिलोने लगी। कन्हैया आया मैया की गोद में, लेट करके दुग्ध पान करने लगा। तब तक जो बर्तन आग पे रखा हुआ था दूध का, दूध में उबाल आ गया। मैया ने कन्हैया को उतार के जमीन पर बिठा दिया और दूध को संभालने लगी। कन्हैया ने कहा, मैया इसका मतलब मुझसे अधिक तुम्हें दूध प्रिय है, मैं प्रिय नहीं हूं। प्यारे जिस दिन परमात्मा को छोड़ करके भोग पदार्थों में तुम्हारी आसक्ति हो जाएगी, परमात्मा को छोड़ करके भोग पदार्थों को प्रधान मानने लगोगे, उसी दिन हमारा ठाकुर तुम्हारे भोग पदार्थों को विनिष्ट कर देगा, उनको खत्म कर देगा। कन्हैया ने कहा, अच्छा मैया तुम्हें हमसे ज्यादा भोग पदार्थ प्रिय हैं, हमसे नहीं इसका मतलब प्यार करती हो, मैया तो हम तुम्हारे भोग पदार्थों को ही नहीं रखेंगे। मैया बाहर गई, कन्हैया ने उठाई मथानी और जितनी मटकी मटके थे सब फोड़ के चकनाचूर कर दी, पूरा घड़कवार खाना बना दिया। मैया आई, बोली, कन्हैया ये क्या हुआ, पूरा घड़ फूटा पड़ा है, सब सारे मटके मटकी दही के फूटे पड़े, ये क्या हुआ। कन्हैया ने कहा, मैया ये तेरी गलती है। मैया ने कहा, ये मेरी गलती है। बोले हाँ, इसमें मेरी क्या गलती है। कन्हैया बोले, मैया तूने जो ये भूरी बिल्ली पाली है ना, ये आई मैया और इसने आकर के एक मटकी जूठी कर दी मक्खन। मैया हमने मथानी उठाई, हमने कहा बिल्ली भगाएंगे, मैया बिल्ली भागी हम पीछे बिल्ली आगे, तो मैया हम मारे तो बिल्ली के, लेकिन जब तक बिल्ली के मारे तो बिल्ली तो आगे निकल जाए लेकिन लगे मथानी उसमें मटकी में, तो मैया हम बिल्ली भगाते भगाते एक कमरे से बिल्ली दूसरे कमरे में पहुंच गई, दूसरे से तीसरे में पहुंच गई। मैया इस तरह अभी अभी हमने बड़ी मुश्किल से उस बिल्ली को बाहर कर पाया है, और पालो बिल्ली मैया तो यही दशा होगी। मैया ने कहा, कन्हैया तू बड़ी चालाकी की बातें करता है, बड़ा शैतान हो गया, ढीठ हो गया है, मैं जानती हूँ तेरे अलावा कुछ कोई नहीं कर सकता, तूने ये काम किया है, अभी तुझे ठीक करती हूँ। मैया ने लकड़ी उठाई और कन्हैया भाग खड़ा हुआ, पीछे पीछे मैया, आगे आगे कन्हैया, लेकिन कन्हैया को मैया ने पकड़ नहीं पाया। क्यों? जब तक अभिमान रूपी लकड़ी हाथ में रहेगी, लकड़ी को हमारे यहां अभिमान कहा गया है, जब तक अभिमान रूपी लकड़ी हाथ में रहेगी तब तक परमात्मा को पकड़ा नहीं जा सकता, उसकी कृपा को नहीं पाया जा सकता। मैया ने लकड़ी फेंक दी, कन्हैया रुक गया और जैसी रुक गया मैया ने पकड़ लिया।
मैया ने इसलिए भी नहीं पकड़ पाया क्योंकि मैया कन्हैया के पीछे भाग रही थी। और परमात्मा की पीठ को अधर्म कहा गया है, और जो अधर्म के पीछे भागता है उसको भी कभी परमात्मा प्राप्त नहीं होते। और जैसे कन्हैया रुक गया, कन्हैया का मुंह मैया की तरफ हुआ, मैया ने पकड़ लिया, मैया ने बांधना शुरू किया, लेकिन रस्सी दो अंगुल छोटी, जो बांधे वो दो अंगुल छोटी। अब तो बंधे ही न कन्हैया, क्यों नहीं बंधा? ये दो अंगुल क्या है? ये दो अंगुल है मैं और तू, मेरा और तेरा। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है। ये भेद ही हमें परमात्मा से नहीं मिलने देता। सब एक हैं, कोई अलग नहीं है, सब में परमात्मा है। मैंने बताया आपको, जैसे जल, जल भी जल है, बर्फ भी जल है, भाप भी जल है, पसीना भी जल है, आंसू भी आंख का वो भी जल है, रस भी जल है, सब जल है, सब में मूल जल है, लेकिन प्रकृति के आधार पर नाम अलग अलग रख दिए हैं। बोलो, सब में तत्व काय का जल ही तो है, बर्फ में भी जल ही है मूल, जल में जल ही है, भाप में भी अंत में जल ही है, और पसीना भी जल ही है, आंसू भी जल ही है, रस भी किसी का जल ही है। तो मूल तत्व सब में जैसे जल है, लेकिन नाम भिन्न भिन्न है, स्वाद अलग अलग है, आकार अलग अलग हैं। ऐसे ही ये आकार तो अलग अलग हैं, लेकिन मूल रूप सब में परमात्मा एक ही है, कोई भिन्न नहीं है, सब बराबर हैं। कोबड़ छोट कहत अपराधु, ये दर्शन होना चाहिए प्यारे। लेकिन हम करते क्या? ये बड़ा अंतर है। आपने देखा होगा, जीवन में अनुभव किया होगा ना, कभी कभी मच्छर बैठ जाता है शरीर पर, तो मच्छर को मारने के लिए आप अपना हाथ मारते हैं, तो मच्छर उड़ जाता है और हाथ कस के लगता है गाल पे। आपने कभी हाथ को मारा है कि तुमने इतनी तेज हम अपने गाल पे ही मार दिया? क्यों नहीं मारा? क्योंकि हाथ भी हमारा और गाल भी। लेकिन अगर दूसरे ने जरा भी गाल पे मारा, फिर क्या करोगे? क्योंकि वो दूसरा है ना, दूसरा। एक व्यक्ति था, बोले तुम्हारे यहां गांधी जी हुए, विदेश का था। बोले हाँ, लेकिन गांधी जी ने ये बड़ा गलत थ्योरी दी है। क्या दी है? बोले अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे मारे तो तुम दूसरा गाल कर दो। यही तो गांधी जी कहते थे, एक गाल पे मारे दूसरा गाल कर दो। बोले हाँ, ये कहते थे। तो उसने कहा अच्छा, हम तुम्हारे एक गाल पे मारे तुम दूसरा गाल कर दोगे? बोले हाँ। एक गाल पे उसने मारा तो उसने कहा ठीक है, दूसरे गाल पे भी मारा। और जैसे दूसरे गाल पे उसने मारा तो दूसरे गाल पे उसने खा तो लिया, लेकिन एक हाथ खींच के उसके मारने वाले के गाल पे मारा, घूम गया इधर से उधर। बोले तुम तो गांधी जी के अनुयायी नहीं हो, तुमने हमारे क्यों मारा? बोले गांधी जी ने एक श्रेणी बताई है कि अगर पहले गाल पे मारे तो दूसरा गाल कर दो, और दूसरे गाल पर भी मारे तो तीसरा गाल कर दो, और तीसरा गाल हमारे पास तो है नहीं, वो तो तुम्हारा ही है, वो हमारा तो है नहीं। तो इसलिए प्यारे, ये भेद जिस दिन खत्म हो गया उसी दिन सब काम बन जाएंगे। मैया ने कन्हैया को बांधना प्रारंभ किया, कन्हैया बन गया, क्योंकि भगवान भक्ति में ही बनता है, और यशोदा है भक्ति, बन गया। और उसी दिन से, चूंकि मैया ने कन्हैया को पेट से बांधा था, इसलिए एक नाम भगवान का आज से दामोदर भी पड़ गया।
कन्हैया को बांध दिया मैया ने, मैया तो चली गई लेकिन कन्हैया ने जिस उखल से बांधा था उसको खींचा, वो उखल जो है दो वृक्ष खड़े थे यमला अर्जुन उसमें अटक गया, ताकत लगाई कन्हैया ने दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े, उसमें से नलकूबर और मणिग्रीव प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। बाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम हस्तोच करमशु मनैस्तव पादयोरण विश्वमृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामी दृष्टि सताम दर्शने अस्तु भवत नूना। नाथ मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, मेरी वाणी आपके गुणगान करने में लगी रहे, नाथ मेरा शरीर आपकी सेवा में लगा रहे और मेरे कान सदैव आपकी कथा श्रवण में लगे रहे, मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब जो है जब ये आवाज हुई वृक्षों की तो गोपियां भाग के आईं, देखें कन्हैया बंधा हुआ, उखल अटका हुआ वृक्षों में, वृक्ष गिरे हुए, सारी गोपियां भयभीत हो गईं। एकदम कन्हैया को खोला, उठाया, झाड़ा पोछा, हृदय से लगाया और मैया से फिर उलहना दे लेने लगी गोपियां, मैया लगता है तुम कन्हैया को पाल नहीं पाओगी, मैया तुम अगर नहीं पाल सकती तो मुझे दे दो, मैं कन्हैया को पाल लूंगी। लेकिन मैया ये क्या हो रहा है, तुम जरा भी ध्यान नहीं रखती। यशोदा मैया ने कहा गोपियों इसमें मेरी ही गलती है, मैंने कन्हैया को बांध दिया था, इस बांधने की वजह से ही सब कुछ हुआ। नंद ने कहा हम अब यहाँ रहेंगे ही नहीं, यहाँ रोज नए उपद्रव आते हैं, इसलिए हम गोकुल को छोड़ करके और वृंदावन सब लोग चलते हैं। तो नंद और उपनंद के साथ सबने गोकुल छोड़ और सब लोग कहाँ आ गए, वृंदावन आ गए। और जैसे ही वृंदावन आया, वृंदावन तो दिव्य धाम है, सारे लोग परमानंद में डूब गए और कहने लगे मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, 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 मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। जो होना था सो हो गया वृंदावन की गलियों में, जो होना था सो हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। राधा बोले बोले बोले
जहाँ कण कण राधा बोले हाँ बोले हाँ बोले जहाँ कण कण राधा बोले रस प्रेम कर रग रग घोले जहाँ कण कण राधा बोले प्रेम कर से रग घोले जहाँ कण कण राधा बोले रस प्रेम कर रग रग घोले राधा बोले रस प्रेम करग रग घोले नयनों का निशाना हो गया वृंदावन की गलियों में नयनों का निशाना हो गया वृंदावन की गलियों में 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 मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में मेरा दिल दीवाना वृंदावन की गलियों में जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग गोकुल छोड़ करके वृंदावन में आ गए। अब हमारा कन्हैया ग्वाल वालों के साथ गायों को चराने के लिए जाने लगा और वन में ही कन्हैया ने बछड़े के रूप में आए हुए बत्सासुर का और बगुले के रूप में आए हुए बकासुर का और अजगर के रूप में आए हुए अघासुर का वध कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब कन्हैया ग्वाल वालों के साथ वन में जाने लगा। एक दिन कन्हैया ग्वाल वालों के साथ बछड़े चराने के लिए पहुंचा वन में। सबने अपना भोजन खोल के रखा। कन्हैया ने मधुमंगल से कहा, मधुमंगल तुम सबका रोज खाते हो लेकिन तुम नहीं लाते हो कभी। तुम रोज सबका भोजन कर लेते हो, जलपान कर लेते हो लेकिन तुम कभी नहीं लाए। मधुमंगल कल तुम जब तक भोजन नहीं लाओगे तब तक हम भोजन नहीं कराएंगे। कल हम तभी भोजन करेंगे जब तुम लाओगे। मधुमंगल ने कहा ठीक है कन्हैया जैसी तेरी इच्छा। मधुमंगल घर पे गया, अपनी माँ पूर्णमासी को बताया। माँ ने कहा मधुमंगल तेरा दिमाग खराब है, दो दिन से घर में कुछ नहीं बना है। मधुमंगल तू तो कन्हैया के साथ भोजन कर आता है, तेरे पिता शांडिल्य जी बाहर भोजन कर आते हैं और मैं तो तुलसी दल खा करके ही सो जाती हूँ। मधुमंगल दो दिन से घर में कुछ भी नहीं है जो भोजन बन सके। मधुमंगल ने कहा माँ मैं तो कन्हैया से कह चुका हूं। उसने कहा मधुमंगल जब तक तुम नहीं लाओगे कुछ तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। पूर्णमासी ने कहा मधुमंगल तुम्हें मालूम नहीं है, अरे यशोदा मैया सुबह उठ करके कन्हैया को ताजे माखन और मिश्री का भोग लगाती है और वो भी कन्हैया उस ताजी माखन मिश्री को भी एक बार में नहीं खाता है। अरे वो बार बार भाग जाता है, अपनी जिद पूरी करवाता है और मैया उसकी हर जिद पूरी करती है तब वो माखन मिश्री खाता है। मधुमंगल हमारे पास क्या उसे देने के लिए, क्या ले जाने के लिए, कुछ भी तो नहीं। मधुमंगल ने कहा मैया कुछ भी हो लेकिन जब मैं कह चुका हूं तो मैं कैसे जाऊंगा उसके पास, कुछ तो करो। मधुमंगल की मां जाती है पड़ोस में और पड़ोस से मट्ठा मांग करके ले आती है और उसमें भी इतना खट्टा मट्ठा कई दिनों का रखा हुआ लाती है, एक पात्र में करती है और मधुमंगल को देती है। कहती है मधुमंगल कन्हैया से कह देना इसमें मेरी कोई गलती नहीं,
इसमें मेरी कोई त्रुटि नहीं। प्यारे जो तूने मुझे दिया है, जैसा दिया है वैसा तेरे लिए अर्पण है। जो कुछ दिया इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। कन्हैया से कह देना मधुमंगल इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन मधुमंगल जो कन्हैया नित्य ताजी मक्खन और मिश्री का भोग लगाता है और उस पर भी मनाने पर खाता है, ये इतने दिनों का रखा हुआ खट्टा मट्टा वो कैसे खाएगा और कैसे दिया जाएगा उसे। कहते कहते पूर्णमासी रोने लगती है। मधुमंगल ने कहा मां कोई बात नहीं, इसमें जैसा ठाकुर ने दिया है वही उसकी सेवा में दे रहा हूं, इसमें कोई हमारा दोष नहीं है। मधुमंगल वो खट्टा मट्ठा लेकर के पहुंचता है और जैसे ही भोजन का समय हुआ कन्हैया ने कहा मधुमंगल हमने तुमसे कहा था कि जब तक तू भोजन नहीं लाएगा मैं भोजन नहीं करूंगा, लाया तू। मधुमंगल सोच रहा है अरे ये तीनों लोगों का ठाकुर और उस नंद के यहां जिसके लाखों गांवें नौ मन जिसके यहां प्रतिदिन ताजा मक्खन होता, यशोदा मैया जिसको बार बार दुलार करके ताजे माखन मिश्री का भोग लगाती है, उसे इतने दिनों का रखा हुआ ये इतना खट्टा मट्ठा मैं कैसे दूं, क्या करूं। नहीं कुछ भी हो जाए चाहे कन्हैया कुछ भी करे कुछ भी कहे मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने ठाकुर को इतना खट्टा मट्ठा नहीं पिला सकता, नहीं दे सकता। कन्हैया पूछता रहा, मधुमंगल दूर हटा, उसने उस पात्र से मट्ठा निकाला अपने मुंह में लगाया और सारा मट्ठा मधुमंगल स्वयं पी गया। जब तक कन्हैया भाग करके मधुमंगल के मट्ठे को पकड़ता छीनता तब तक मधुमंगल ने सारे का सारा मट्ठा पी लिया। लेकिन जल्दी में पीने से जो मट्ठा मधुमंगल के मुंह में लग गया था, कन्हैया ने बर्तन तो फेंक दिया, मधुमंगल को पकड़ा और उसके मुंह को जो मट्ठा लगा था उसको चाटने लगा। कन्हैया उसको चाटने लगा,